This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्शन, और एडवांस एक्शन की हमारी ये पहली क्लास है और हम जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी ए टू जेड एडवांस एक्शन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वन बाय वन चलेंगे, पहले हम एडवांस एक्शन को करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल में सिलेक्शन मेथड, क्योंकि बेसिक एक्सेल तो आप लोगों को पता ही है कि एक्सेल क्या है, कैसे है, कितने रो कितने कॉलम, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर चटर्जी गुड मॉर्निंग, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है, कि हाँ हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड से। सिलेक्शन मेथड, हाउ कैन सिलेक्ट योर डेटा। अब पहली क्लास की पहली टॉपिक सिलेक्शन क्यों होनी चाहिए इसके बारे में जान लीजिए। एक्सेल के अंदर में अगर आप किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटा का सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है सर, अगर आपने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया तो आप न कीमत लगा पाएंगे, न चार्ट लगा पाएंगे। किसी भी तरह काम नहीं कर पाएंगे सर। तो इसलिए सिलेक्शन जरूरी है। तो मैं एक सिंपल डेटा बनाता हूं जिसमें हम आपको सिलेक्शंस के बारे में समझाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन समझ लेंगे तो फिर आगे चल के आपको बाकी चीजों पे काम करने में आसानी रहेगी। क्या सत्य जी मैं सही बोल रहा हूं? सर वो जो दूसरे कैंडिडेट आया ना अनिरबन चटर्जी, ही सेइंग यू आर नॉट ऑडिबल। और मैंने बोल दिया कि हम लोग चेक करेंगे अपना माइक, क्योंकि स्पीकर में प्रॉब्लम है। मेरे यहां से प्रॉब्लम होती तो आपको ही प्रॉब्लम होती। ओके, तो यहां पे हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हम सिलेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हम माउस की सिलेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले माउस, तो जनरली तो आप लोग माउस से सिलेक्ट करते हैं ना, इसको लिया और इस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप इस पे क्लिक करें, सबसे स्टार्टिंग पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से आप क्लिक करके होल्ड करते हुए डेटा को सिलेक्ट करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, उस केस में क्या करेंगे हम स्टार्टिंग में क्लिक सिलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की सिलेक्शन की। उसके कीबोर्ड की सिलेक्शन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कर्सर को मूव करें, क्योंकि जनरली तो हम एरो की से मूव करते हैं, लेकिन एक और तरीके से मूव हो सकती है। आपने आपने क्या बोला था कि हम स्टार्टिंग में जाएंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और लास्ट में मूव कर देंगे। मिस्टर चटर्जी आपके आप पीसी से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उससे ज्वाइन कर रहा हूँ अपने हेडफोन से। हेलो हेलो हेलो
सर आपसे नहीं, मिस्टर चटर्जी से बात कर रहा था सर। ओके तो मैं बोल रहा था कि हम सबसे पहले सबसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में, और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में आगे सिलेक्ट करें, क्लिक कर दें। ओके समझ गया ना, सबसे स्टार्टिंग में और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में। अच्छा, जैसे ही हम शिफ्ट दबाएंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली एंड में चला जाएगा? नहीं, हम स्टार्टिंग में सिलेक्ट करेंगे, जाना तो हमें मैन्युअली जाना पड़ेगा, और शिफ्ट के साथ उस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, समझ गए? वो एंड में आप बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा, कर्सर लेके तो आपको कुछ जाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया, अब क्लिक करके इसको छोड़ दीजिए और सबसे लास्ट में आइए, और यहाँ है ना आपका लास्ट, तो इस पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट आइए फिर क्लिक, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट वाले सेल पे जाके क्लिक करूंगा और सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा? हाँ राइट, मैं मोबाइल को इसको साइलेंट कर देता हूँ, कॉल नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम माउस की सिलेक्शन से कीबोर्ड की सिलेक्शन करते हैं, तो उससे पहले आप जानिए कि हम कर्सर को कैसे मूव करें। तो मुझे यहाँ पे कर्सर है, मुझे सबसे लास्ट में लेके आना है, तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा, राइट? कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस किया तो सबसे लास्ट में, क्योंकि अगर बिना कंट्रोल का आप करते हैं तो सिर्फ एक कर्सर एक सेल नीचे आता है ना, कंट्रोल के साथ करते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब सीरीज ब्रेक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीच में कोई डेटा आपका ब्लैंक है तो आपका लास्ट में नहीं जाएगा, जहां पे आपका सीरीज ब्रेक हो रही है वही पे आके रुक जाएगा। इस तरह से आप लेफ्ट राइट डाउन आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट को भी दबाऊंगा, तो आपका जो डेटा है इस तरह सिलेक्ट होता चला जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, मेरा करेंट रीजन मतलब कि जितना डेटा है उतना डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ए एक बार नहीं करेंगे, दो बार करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। मिस्टर चटर्जी आप सुन पा रहे मुझे भी? आप म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तो सुन पाएंगे, हमें आपको सुन पाऊंगा। तो यहां पे आप प्रेस द कंट्रोल ए वन टाइम, आपने टू ट्वाइस या उससे ज्यादा किया
तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल होता है इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो पूरी सीट आपकी सिलेक्ट होगी। लेकिन कंट्रोल ए जब आप करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा कि ए आपका करेंट रीजन को सिलेक्ट करता है। तो अगर मैंने यहां भी ए लिख दिया, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, देन हमारा जो अननेसेसरी डेटा है ये अननेसेसरी डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में अभी जो मैंने आपको बताया कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस किया एंड डाउन एरो प्रेस किया, तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। तो इसका ध्यान आप रखेंगे, जब आप कंट्रोल ए प्रेस करें तो कंट्रोल ए प्रेस करते समय आप देख लें कि आपके डेटा में कोई अननेसेसरी डेटा तो नहीं है। दूसरी चीज, जब आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो उस केस में अगर आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक है, इस तरह से पूरा रो, अगर पूरा रो ब्लैंक है तो उस केस में आपका डेटा सिर्फ ऊपर का ही सिलेक्ट होगा, ब्लैंक के नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तो सीरीज को मेंटेन करता है। सर तो ये ब्लैंक है केस में, तो ये जब हम कंट्रोल शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तब ब्लैंक के केस में दो तरीका है, एक तो आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ नीचे सबसे लास्ट में क्लिक कर दें, या आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो एक बार और डाउन एरो प्रेस कर लें दो एक दो बार, तो सिलेक्ट हो जाएगा आपका डेटा। ठीक है मिस्टर चटर्जी, कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। सतेंद्र जी समझ में क्लियर हुआ आपका डाउट? कैसे करेंगे सर आप दोबारा बताना। देखिए दो तरीका है, फर्स्ट तरीका है कि आप अपने डेटा के स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके सबसे लास्ट में क्लिक कर देंगे। ओके ब्लैंक से कोई मतलब नहीं। या दूसरा अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आप राइट एरो यूज करेंगे देन डाउन एरो एक आया, एक बार और कीजिए और एक बार और करते चले जाइए। ठीक है सर? ठीक है ओके। अभी हमने सिलेक्शन बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन, जैसे कि मुझे इसमें से कुछ कुछ डेटा चाहिए, तो मैं इसको क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक कर सकते इस तरह से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप जैसे मर्जी ऐसे सिलेक्शन कर ले, जैसे कि मुझे इस पे कलर करना है तो जैसे मर्जी ऐसे सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां से कॉपी करना है, मान लीजिए मुझे डेटा को कॉपी करना है, उस केस में एक चीज का ध्यान आप रखेंगे, क्या कि जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे जब कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे तो उतना ही एरिया सिलेक्ट होना चाहिए, समझ गए, तभी आपका डेटा कॉपी होगा। अदरवाइज अगर आपने सीक्वेंस सीरीज ब्रेक किया कि आपने ऊपर तीन कॉलम कर लिया और नीचे आपने पांच कर लिए, उसके नीचे आपने एक कॉलम किया, अभी इसको सिलेक्ट आपका कॉपी नहीं होगा। क्योंकि सर मल्टी सेल सिलेक्शन में सीक्वेंस होगा तभी कॉपी होगा, ये एक्सेल के अंदर क्या बोलते हैं इनबिल्ड है सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वो कॉपी किस तरह से, क्योंकि मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया, आपने इसको सिलेक्ट किया, अब अलग अलग कर रहे हैं ना, लेकिन जब कॉपी करके आप इसको पेस्ट करेंगे तो एक साथ पेस्ट करता है ना यहाँ पे। ओके
तो अगर आपने जहां तहां सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर पाता है, इसलिए कॉपी नहीं करने देता है। तो कॉपी करते समय आप ध्यान रखें कि आपने जितना रो या जितना कॉलम सिलेक्ट किया है उसको मेंटेन रखें। अच्छा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने दो कॉलम्स और पांच रो सिलेक्ट किए हैं। हाँ, दो सेम है ना, यहाँ भी पांच रो है और यहाँ भी पांच रो है। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे छह कर देता और यहाँ पे दो करता या तीन करता या आठ करता तो आप कॉपी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये तो होगी सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन समझ में आ गया सर? सो बेसिकली सीरीज सेम होनी चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल शीट सिलेक्शन की। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नई शीट, एक नई वर्कबुक निकाली और उस वर्कबुक में मेरे पास पांच शीट्स है और मुझे हर एक शीट के A1 पे और B1 पे डेट डालना है कुछ इस तरह से। तो यहां पे मैं इसको कॉपी करके सर ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार रिपीट करना। ये मतलब आप कौन सा सिनेरियो बता रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे पास फाइव सीट्स हैं और मुझे हर शीट में A1 B1 पे ए डेट और नेम लिखना है। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, आपको हर शीट पे क्या लिखना है? ए आपको सामने दिख रहा है ना सर, डेट। ओके ओके, तो मुझे हर शीट पे जाके लिखना है। जनरली हम क्या करते हैं कि एक शीट पे लिखते हैं, उसको कॉपी करके फिर हम उसको पेस्ट करके चले जाते हैं। ये करते हैं। तो अभी यहां हमें पांच बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है। लेकिन दो तरीके हैं, अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो मैं कॉपी कर लू और अगली शीट को सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट को सिलेक्ट करूं। अब देखिए हमारा चार शीट सिलेक्टेड है, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव मेरा सिलेक्ट है। ठीक है सर, अब कॉपी पेस्ट करूंगा तो हर एक शीट पे पेस्ट होगा, एक ही बार पेस्ट करूंगा और आप देखेंगे कि आप सीट टू पे भी पेस्ट हो गया, सीट थ्री पे भी हो गया, सीट फोर पे भी हो गया ना सर? टाइपिंग करते हैं, मैं आपको एक क्या बोलते हैं डेट ही डालना है, तो टाइप करके कॉपी करके पेस्ट करने की बजाय आप टाइप करने से पहले ही पूरी शीट को सिलेक्ट कर। सर ये आपने सेलेक्ट शीट सेलेक्ट कैसे की? हमने शिफ्ट को क्लिक करके किया, जैसे हमने पहली शीट पे आए और शिफ्ट को प्रेस किया और सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक। तो फिर वो सारी शीट्स पे नहीं प्रेस करेगा? मान लो शीट वन पे तो ऑलरेडी डाल दी हमने। मैं बोल रहा हूँ कि मैं डालने जा रहा हूँ, मैं टाइप करने जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइम को टाइप किया, अब ये सिर्फ सीट वन पे टाइप नहीं हो रहा, सीट वन से लेकर सीट फाइव के एवरी सीट के अंदर ये एट पे टाइप हो रहा है। समझ गया? अच्छा, मतलब करने का मतलब नहीं समझे कि अगर आपने एक सीट पे टाइप कर लिया, आप कॉपी पेस्ट करना है तो उस केस में आप उसको कॉपी करें, अगले सीट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे उसके बाद पेस्ट करें। लेकिन आपको पता है कि हर एक सीट पे
चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट क्यों करें, आप डायरेक्ट टाइप करने से पहले सीट वन को सिलेक्ट करें और सीट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट करें। अब यहां तो पे उसके बाद जो भी हम टाइप करेंगे वो सब और सारी सीट के सेम लोकेशन पे होगा। अच्छा, जो भी टाइप, क्योंकि सारी सीट सिलेक्टेड है। और ऊपर आप देखें ग्रुप दिख रहा होगा, या ग्रुप बुक बुक फोर ग्रुप दिखा है। और अगर मैं इसके ऊपर कोई कलर या फॉर्मेटिंग करता हूं तो भी हमारी सारी शीट्स के ऊपर। इसमें एक डाउट एक चीज और, अब इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि मुझे सारी शीट पे नहीं करना है, मुझे कुछ सिलेक्टेड शीट पे करना है। तो उस समय आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और जिस जिस सीट पे आपको करना है उस सीट को मैं क्लिक कर रहा हूं। अब मैं कंट्रोल के साथ सीट 5, सीट 3 और सीट 1 पे किया हुआ है। तो अब मैं कुछ करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ इन तीन तीन सीटों पे होगा। ठीक है सत्येंद्र जी एंड मिस्टर चटर्जी। अच्छा, मैं ये देख खाली ऑपरेशन अभी खाली तीन सीट्स पे हुआ जाके, जब आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हो तो आप टाइप तो फर्स्ट सीट पे करते हो ना, बाकी वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। नहीं, जैसे आपने ये डेट को टाइप किया फर्स्ट शीट पे, उसके बाद शीट टू से शीट फाइव तक सेलेक्ट कर ली, शिफ्ट से सेलेक्ट कर ली और पेस्ट, फिर पेस्ट कहाँ करोगे आप, शीट टू पे पेस्ट करोगे ना। हाँ, पेस्ट शीट टू पे करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक मिनट ट्राई करने दो ये। सिलेक्शन मेथड हम आपको बता रहे थे सुंदर जी एंड चटर्जी जी, क्योंकि ये जरूरी होता है, क्योंकि आप एक्सेल के अंदर में कुछ भी अगर करते हैं एनीथिंग, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, तो सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपने सिलेक्शन सही तरीके से किया तो बाकी चीजें भी सही तरीके से लगेगी। सो हमने पहली क्लास की पहली टॉपिक इसीलिए सिलेक्शन को रखा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग एक्सेल से फैमिलियर है तो इसकी बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे कि एक्सेल क्या है, इसमें कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। चंद्र जी ट्राई कर लिया आपने? सर मैं कर रहा हूं जी, जी मैं बैठ कर रहा हूं। हाय मिस्टर सुजीत अनिर्वाण। अच्छा ये मैं, हाँ तो ये मैंने डेट और टाइम को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करके वेन, हाँ तो मैंने जब ये शिफ्ट प्रेस करके इसको कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करना पड़ेगा ना? हाँ कॉपी तो कंट्रोल सी से करना पड़ेगा ना सर। हाँ कंट्रोल सी करके जब मैं लास्ट, वो लास्ट पेज शीट नंबर मेरा पकड़ लीजिए 4 है, वो शीट नंबर 4 में जाना पड़ेगा राइट। देखिए सिंपल सी बात समझिए, ये जो टॉपिक मैंने बताया वो क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपके पास पहले क्राइटेरिया समझिए कि आपके पास एक से ज्यादा सीट पे कोई डिटेल फिल करिए। जैसे आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट आपकी 5 सीटों की एक डैशबोर्ड है, 5 सीटों की एक रिपोर्ट है, तो हर सीट पे आपको डेट डालना होता है ना सर, टाइटल डालना होता है। तो उस केस में हम एक एक सीट पे टाइप ना करेंगे, हम एक साथ सारे सीट पे टाइप कर देंगे।
कंडीशन ये है कि हर सीन के ऊपर सुजीत का सुजीत आपकी ना आवाज बहुत अटक रही है, आपकी आवाज बहुत अटक रही है, पीछे से बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। अच्छा वो आर्यन जी के माइक से आ रही है प्रॉब्लम। तो अभी जो है ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप सेम लोकेशन पे करेंगे, ध्यान रखिए। अगर मैंने मान लीजिए कि ए, मैं मैंने सीट वन के ए वन पे डेट डाल रहा हूं तो हर सीट के ए वन पे ही डेट जाएगा। तो टाइप करने से पहले हम क्या करेंगे, जिस सीट पे टाइप करना किसी एक सीट को एक्टिवेट कर लीजिए, लोकेशन पे चले जाइए और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट सीट पे क्लिक कीजिए। कब? जब आपको सारी सीट पे करनी है, जितनी भी सीट्स हैं, चाहे पांच हो चाहे 500 हो। तो पहले वाले पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक किया। अब मेरा पूरा सीट सिलेक्टेड हो गया, एक ग्रुप बन गया। अब मैं किसी भी सीट के किसी भी लोकेशन पे कुछ भी करूंगा तो वो क्या होगा, हर सीट के उसी लोकेशन पे वो इफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने A1 पे लिख दिया डेट, तो अगर आप सीट 2 के A1 पे जाएंगे तो वहां डेट पाएंगे, सीट 3 पे जाएंगे तो डेट पाएंगे, तो हर सीट पे आ गए। तो ये हमारा टाइम को बचा दिया कि जो हम पांच बार जो करते हैं उसको हमने एक ही बार में कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट, अब समझ में आया? हाँ समझ में आया, ठीक है। और दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास पांच सीट है बट आपको तीन पे ही करना है, तो उस केस में कंट्रोल जो होता है मल्टीपल सिलेक्शन, क्या है वो सेल की सिलेक्शन हो, सीट की सिलेक्शन हो या फाइल की सिलेक्शन हो, कंट्रोल मल्टीपल चॉइसेस के लिए होता है। तो जिस जिस सीट के पे करना है कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते चले जाइए। तो मैंने अभी जो क्लिक किया, एक तो सीट वन बाय डिफॉल्ट हमारा एक्टिव था और हमने सीट 3 और सीट 5 पे किया। अब मैं यहाँ पे अगर टाइम लिखता हूं तो A4 में हमने टाइम लिखा, तो हर सीट के A4 में हमारा टाइम टाइप हो जाएगा। नहीं, जितने भी सिलेक्टेड थे उसमें कितने सिलेक्टेड थे, सीट 1, सीट 3 एंड सीट 5। अब देखिए सर, सिलेक्शन मेरा हट नहीं रहा है, तो आप किसी अनसिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया ना, अब मुझे इस ग्रुप को हटाना है, तो आप सीट 2 या सीट 4 पे क्लिक करें। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं है, तो आपका ग्रुप पूरी सिलेक्शन हटके नॉर्मल जो सीट होती है उस तरह से हो जाएगी। सर सरंदर जी, आप समझ गए, अब आगे बढ़े। तो हमने एक टॉपिक सिलेक्शन मेथड को मैंने किया, और चिंता मत कीजिए ये आपको हर क्लास में ये चीज यूज होगा। तो अभी कोई कंफ्यूजन है तो आगे चल के कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेल की लिमिटेशंस एंड हेल्प के बारे में। सबसे पहले जानिए कि आपको एक्सेल की लिमिटेशन, मतलब कि कितने रो कितने कॉलम के अलावा हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, एक सेल में क्या टाइप कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शीट ऐड कर सकते हैं, इस तरह की पूरी डिटेल्स हमें पता करनी है। तो उस केस में यहाँ ऊपर सर्च दिख रहा होगा, अगर आपके पास 2016 है तो इसका यूज कर सकते हैं। इस पे F1 प्रेस कर लें या इस पे जाके आप सर्च करें लिमिट, तो यहां देखिए हेल्थ का बार आ रहा है, यहां पे इस पे क्लिक करेंगे रिजल्ट, तो एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स आपको दिख रहा होगा। Thank you.
यहाँ पे देखिए आपके जितने भी डिटेल्स है सारे यहाँ दिख गए। यहाँ पे देखिए ओपन वर्कबुक, एक बार में कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, लिमिटेड में अवेलेबल मेमोरी, कितने सीट्स होंगे, कितने कॉलम का विड्थ कितना होना चाहिए, कितने पेज ब्रेक्स होंगे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इंट्री करेंगे। अब यहाँ पे काम आती है कि कोई मुझे कोई क्या बोलते हैं एग्जाम पास आउट थोड़ी करना है, तो इसको याद करें, जीके क्वेश्चंस क्यों याद करेंगे हम इसको, क्या फायदा है इस चीज को जान के कि कॉलम का विड्थ 255 होगा, हम जितना बड़ा करेंगे होना हुआ होना बढ़ जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा जरूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कैजुअली रीड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए अगर आप वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को सीखेंगे तो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आपको कॉलम की साइज को बड़ा करना होगा, तो उसमें हम कोड लिखेंगे कि रेंज कॉलम डी डॉट विड्थ इक्वल टू 50, 60, 70 इस तरह से। लेकिन कभी मुझे बहुत बड़े कॉलम की रिक्वायरमेंट हो गई तो वहां पे हमने लिख दिया 500। ये कॉलम विड्थ का मतलब क्या हुआ एक बार ही बताना, कॉलम विड्थ का मीनिंग क्या हुआ? कॉलम की विड्थ जैसे साइज, कॉलम में कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर कॉलम 255 कैरेक्टर्स का क्या मीनिंग हुआ? मतलब कि यहाँ पे अभी अभी आपके पास तीन है ना, मतलब कि ए बी सी तीन कैरेक्टर आते हैं, अच्छा ऐसे 255 कैरेक्टर एक सेल में लिख सकते हैं? नहीं नहीं एक सेल में तो हम लिख सकते हैं 32,767 कैरेक्टर, लेकिन कॉलम की जो साइज है 255 तक जाएगी, उसके अलावा भी रो की भी तो हाइट बढ़ेगी, क्योंकि रो की भी तो हाइट 409 है इसमें, ये मुझे रो और कॉलम हाइट समझ में नहीं आया बेसिकली। जैसे कि आपके पास अभी जो स्प्रेडशीट दिख रहा है, क्या है एक तरह से रजिस्टर ही है ना सर, तो अभी मान लीजिए कि कभी कभी जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे हम जो डेटा लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा अपना नाम भी लिखा सुजीत कुमार, अभी क्या हुआ कि सुजीत कुमार जो है अगले कॉलम पे जा रहे हैं, अगर अगले यहाँ पे कोई डेटा में लिख दू सी कॉलम में तो क्या होगा, सुजीत कुमार पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ सही बात है, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा देंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे कॉलम विड्थ नहीं बढ़ानी है, हम रो की हाइट बढ़ा देंगे और इसको रैप कर देंगे, तोड़ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज आगे डिस्कस करेंगे, आप इसके बारे में पता करना होगा कि कितने हाइट्स हैं, मतलब कितनी कैरेक्टर विजुअल रहेगी, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं रो एंड हाइट। अब यहाँ पे देखिए 32,767, अब जैसे आगे चल के मैं फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले में हम क्या है नेस्टेड फॉर्मूले, इफ दैट इज ग्रेटर देन 60 कॉमा और इफ। अब इसमें एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सब कितने इफ लगा सकते हैं या कितने फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है सर, वो आपकी जो फॉर्मूले की जो करेक्टर है वो 32,767 से ऊपर तो एरर शो कर देगा, तो मतलब एक सेल के अंदर भी करेक्टर लिख सकते हैं, चाहे वो फॉर्मूले की शक्ल में हो या नॉर्मल। तो इसको एक बार केजुअली आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो सतेंद्र जी एंड बाकी लोग हैं उन बता देता हूं कि मैं अपने क्लास में शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करता हूं। रीजन है कि आप लोगों को मेरी कीबोर्ड तो नहीं दिखेगा ना, लेकिन मैं पहली क्लास में आपको बताता हूं कि शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। तो
जहां से आपने लोकेशन सर्च किया था या एक्सेल हेल्प के सर्च में आप शॉर्टकट को सर्च कर लें। तो आपको यहाँ पे ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल का रिजल्ट आ गया, और इसी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सारे शॉर्टकट की कंट्रोल डब्ल्यू से वर्कबुक क्लोज होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, अल्ट एस से होम टैब पे जाते हैं, कंट्रोल एस से वर्क सेव होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, तो इस सारे यही पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे जितने भी इसमें है कंट्रोल सी वगैरह जितने भी है सारे शॉर्टकट इसको दिएगा। अब आपको अभी एक चीज समझ लीजिए कि जो शॉर्टकट आपको दी गई है इसमें, अब इसको आप संस्कृत की श्लोक की तरह रट्टा मार लेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसको यूज करना होगा। और इसका यूज करने अब यूज क्यों करें, शॉर्टकट क्यों यूज करें, देखिए क्या है सतेंद्र जी और बाकी लोग कि आप माउस से भी काम कर सकते हैं और आप कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से आप काम करते हैं तो आपकी स्पीड माउस से काम करने की अपेक्षा तकरीबन 20% बढ़ जाती है। ऐसा मैं भी कह रहा, ऐसी बहुत सारी रिसर्च करती है और इस रिसर्च को मैं भी एग्री करता हूं। दूसरा, आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और माउस को हाथ ही लगाएंगे खटाकर खटाकर एकदम कीबोर्ड से आवाज आते रहेगा काम करेंगे तो इंटरव्यू लेने वाले पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब जानता है कि शॉर्टकट कि जो कमांड है वो प्रैक्टिस से ही आती है, रट्टा मारने से नहीं आती। तो कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैं बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को अपने ट्रेनिंग को सलाह देता हूं कि जब आप ऑफिस में रहते हैं तो आपके पास ऐसी कोई टाइमिंग होगी जिसपे आपको काम कम होगा, या काम अगर होगा तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा कि हाँ मुझे अभी ही भेजना है चाहे एक घंटे भेजना है, तो ऐसे समय में आप माउस का बिल्कुल यूज ना करें, पूरा काम कीबोर्ड से ही करें। तो धीरे धीरे वो ऑफिस की एक डेढ़ घंटे की टाइमिंग पूरी ऑफिस की टाइमिंग बन जाएगी और बिल्कुल आप कीबोर्ड से ही काम करेंगे, माउस को हाथ नहीं लगाएंगे या फिर बहुत कम लगाएंगे। आप कीबोर्ड से काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके लिए शॉर्टकट नहीं है या डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है या पता नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे कलर करना है, एक कलर करना है, अब इसका शॉर्टकट पता नहीं है, तो आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मेनू बार के जितने भी मेनूज हैं वो सब हाइलाइटेड हो गया, उसके नीचे एक कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर आपका शॉर्टकट है। तो मुझे होम मेनू के अंदर जाना है तो होम के नीचे एच है, मैं अपने कीबोर्ड का एच प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि होम मेनू के बाहर के जितने भी ऑप्शंस है सब हाइलाइटेड हो गए, और मुझे एच वापस करना है कलर के लिए तो एच करके एंटर मार दिया, कलर हो गया, चाहे अल्ट एच एच किया, और यहां पे हमने कीबोर्ड से अपनी जो है माउस एरो की से अपना कलर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे आपको बोल्ड बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट एच बी से बॉर्डर, बी के नीचे देखिए बॉर्डर है, बॉर्डर के नीचे बी है बी, अब मुझे इसमें ऑल बॉर्डर चाहिए तो इसमें ए है तो ए, तो ऑल्ट किया एच से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल बॉर्डर, तो आपको याद भी करने की जरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसको इसी तरह से देख लेते हैं। ठीक है सर, या फिर जैसे कोई फंक्शन यूज कर दिया, मान लीजिए राइट क्लिक ही आपने किया तो राइट क्लिक में जो ऑप्शन दिख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट स्पेस स्पेशल वगैरह, तो इसमें आप देखिए कि हर एक जितने भी ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन है, टी के नीचे अंडरलाइन है, सी के नीचे अंडरलाइन है, एल के नीचे अंडरलाइन है, ये जो अंडरलाइन है इट्स योर शॉर्टकट। तो आप ई प्रेस करेंगे, मान लीजिए फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो एफ के नीचे अंडरलाइन है,
तो मैं अपने कीबोर्ड का एफ प्रेस करूंगा। सर एक बार दोबारा बताना आप कैसे कर रहे हो, क्या कैसे कर रहा हूं, मतलब कि आपने ऑल्ट प्रेस किया और एफ प्रेस किया? नहीं, मैंने राइट क्लिक किया। आपके सिस्टम में राइट क्लिक करने का ऑप्शन होता है ना कीबोर्ड पे, उसे राइट क्लिक किया। मैं ये समझा रहा हूं कि बहुत सारे जगहों पे आपके अगर इस तरह से पॉपअप आएंगे, जैसे आपने फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस में आप देखेंगे कि अंडर अलाइनमेंट में देखिए देखिए रैप डब्ल्यू के नीचे है, के नीचे अंडरलाइन है, एम के नीचे अंडरलाइन है, एमएसएन बी के नीचे है, ई के नीचे है, ए के नीचे, इस शॉर्टकट से। तो जब आपको इस्तेमाल करना हो, जैसे मैंने राइट क्लिक किया और मुझे फॉरवर्ड सेल क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि सेल में एफ के नीचे है, तो मुझे यहाँ पे बस एफ प्रेस कर देना है। तो राइट क्लिक और एफ प्रेस कर देंगे तो आपको फॉरवर्ड सेल आ जाएगा। और फॉरवर्ड सेल में अब जैसे मुझे बॉन्ड पे हो, मुझे बॉर्डर पे जाना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टैब यूज करूंगा, तो बॉर्डर पे, क्योंकि जब टैब चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल टैब करेंगे, और इसके अंदर आना हो तो टैब यूज करेंगे। तो इसी पे नहीं, किसी भी पॉपअप पे वर्क करता है। आप ट्राई कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगी वहां मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट के बारे में अभी आप शॉर्टकट तो सर प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे। तो दो चीजें आपको मैंने समझाया, एक लिमिटेशन जो कि आपको पढ़ने हैं सर्च करके, दूसरा शॉर्टकट भी आप पढ़ लीजिएगा और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। तीसरा बेसिकली जो शॉर्टकट आप सेलेक्ट कर रहे थे अभी फॉर्मेट में, ये आपने कैसे किए थे, टैब्स पे जाके? हाँ, कंट्रोल टैब से किया था। देखिए, हमने राइट क्लिक करके फॉर्मेट लाया, तो अब जैसे कि मैं प्रोटेक्शन पे हूं और मुझे नंबर पे आना है, तो मैं कंट्रोल टैब प्रेस कर दिया। अब मुझे नंबर के नीचे डेट पे जाना है, तो मैं एक टैब यूज किया और उसके बाद एरो की से अपना यूज कर दिया। अब मुझे इस डेट में इस डेट को सिलेक्ट करना है, तो मैं टैब प्रेस किया तो इस वाले में आ गया, और फिर एरो की से अपना सिलेक्ट कर लिया। अच्छा अच्छा एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए टैब की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए टाइम है, तो मैं टाइम पे हूं, तो टैब प्रेस करूंगा तो टाइम के इस वाले बॉक्स में आ गया। अब मैं एरो की प्रेस करूंगा तो यहां पे वर्क करेगा। अब मुझे यहां इंग्लिश पे जाना है, तो अगेन टैब प्रेस करूंगा तो इंग्लिश इंडिया आ गया। ओके, अब मुझे अलाइनमेंट पे जाना है तो कंट्रोल टैब, और मुझे यहाँ पे वर्टिकल को सिलेक्ट करना है, वर्टिकल में बॉटम के जरिए इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक टैग यूज करूंगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ गया, फिर एक बार और टैग यूज करूंगा इंडेंट में आ गया, एक बार और टैग यूज करूंगा बॉटम में आ गया, समझ गए। अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ मर्ज सेल करना है, तो मर्ज सेल पे जाना पड़ेगा टैग, तो जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, एम प्रेस कर देंगे, क्योंकि एम के नीचे अंडरलाइन था, तो मर्ज पे क्लिक हो जाएगा मेरा। ओके, सुरेंद्र जी समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। अब दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं दूसरे सिलेबस की तरफ, तो दूसरा ऑप्शन आता है हेल्प का। देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं, मान लीजिए कि मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा दी, तो सारी चीजें ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ी, आप भूल गए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता क्या है, आइडिया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो आपका मेमोरी में पूरा वापस आ जाएगा। कभी ऐसा होता है ना, फिर उसके बारे में जानते हैं लेकिन थोड़ी सी हिंट मिल जाती है तो पूरी चीजें याद आ जाती है, तो उस केस में आप उस पर कर्सर रखेंगे तो आपको एक शॉर्ट नोट दिख जाएगा। शॉर्ट नोट दिख गया। अभी शॉर्ट नोट में आएंगे तो यहां पे अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे, तो आप
आपको एक्सेल हेल्प में वो चीजें का पूरा डिटेल के साथ समझा देगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग करते हैं गूगल पे सर्च करते हैं जाकर सर। लेकिन गूगल चीजें दी गई होती है वो 100% प्रूफ नहीं होता है। और हम जैसे आप जैसे लोगों ने आर्टिकल डाले होते हैं ठीक है, इसलिए आप जब भी कोई ऑप्शंस के बारे में सर्च करें तो आप प्रेफर करें कि आप पहले एक्सेल हेल्प पर सर्च करो, क्योंकि एक्सेल हेल्प में ये चीजें प्रूफ रीड होता है इसलिए सर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बना के दिया ना। और कुछ डाउट सर? तो सर मेरे हिसाब से आज इतना काफी है सर पहला दिन, क्योंकि आप लोगों की पढ़ने की हैबिट तो रही नहीं, एक दिन में जरा पढ़ लेंगे तो सर दिमाग से बाउंस होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। कल हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हम कल बात करेंगे एक्सेल के फाइल मेनू बार से। देखिए जो कोर्स को हम लेके चलेंगे वो हर एक टॉपिक को इस तरह से डिटेल में पढ़ाओ करना आपको, तो कल हम फाइल मेनू बार के बारे में जानेंगे, फिर हम फॉर्मूला डेटा रिव्यू इस तरह से चलेंगे ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपका कोर्स कहाँ पहुंचा है और कौन सा टॉपिक होने वाला है ठीक है सर। तो कल हम आपके साथ एक बार अपना कोर्स कंटेंट दिखाना, कोर्स कंटेंट के लिए आप वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे तो यहीं से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट कोर्स का आएगा, ये डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, ये हमारा ठीक है। तो अभी हम जो है एक्सेल की लिमिटेशंस के बारे में पढ़े, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड उसकी बेनिफिट्स के बारे में पढ़े, कल हम बात करेंगे एक्सेल की सेटिंग्स, लिस्ट क्रिएशन, टेम्पलेट इस सब के बारे में, ये हमारा कल का टॉपिक। तो इसमें जो है नई चीज ऐड हो जाती है, जैसे कि इसमें सिलेक्शन मेथड हमारा ऐड है, क्योंकि ये 2 साल पहले बना था लेकिन इसमें नई चीजें ऐड होती रहती है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है। सर एक बार वो जाके अभी टैब पे बताना कि जब आपने फॉर्मेट सेल किया था वो जो शॉर्टकट आ रहे थे वो मेरे आ नहीं रहे, मैंने अभी ट्राई किया साथ के साथ तो वो नहीं आ रहे। फॉर्मेट सेल पे जब क्लिक करते हैं तो क्या शॉर्टकट, जैसे अब ये डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन है ना तो कैसे सेलेक्ट होगा? तो डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन सबसे पहले आपको अलाइनमेंट टैब के अंदर घुसना होगा, क्योंकि आप नॉर्मल टैब उसके बाद यहाँ पे आप W प्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है, अगर W प्रेस करते हैं यहाँ पे तो ये समझेगा कि हॉरिजॉन्टल के अंदर W प्रेस हो रहा है। ओके चाहे एक दो तीन बार बाहर निकल जाए, अब आप W प्रेस करें या M प्रेस करें। ठीक है समझ गया, ठीक है कल सेम टाइम अगले टॉपिक सेशन आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, 1.5 घंटा टाइम लगेगा कन्वर्ट होने में। ठीक है सर, ओके बाय, सी यू टुमारो, बाय।